जी कवर कर रही है उफरौल के श्रेयन हॉस्पिटल का। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे इस हॉस्पिटल का कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट है। इसके जो ऑनर है डॉक्टर साजन कुमार एक्सक्लूसिव आज आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटीज है, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में आप देखेंगे आमतौर पे जो क्लिनिक होता है उसमें डॉक्टर तो अवेलेबल रहते हैं, क्लिनिक का टाइम टेबल रहता है कि जिस टाइम में क्लिनिक खुलेगा ओपन होगा उस वक्त वहां पे डॉक्टर जो है अवेलेबल रहेंगे, वहां 24x7 नहीं लिखा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल या फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल में आप देखते होंगे कि वहां पे 24x7 जो है इमरजेंसी सुविधाएं दी जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में कहा जा रहा है ऑनर के द्वारा, लेकिन हम इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में 24 घंटा यहाँ पे जो इमरजेंसी सुविधाएं की वादा किया जा रहा है तो उसमें वाकई में क्या सुविधाएं मिल रही हुआ आपका। मेरा नाम डॉक्टर साजन कुमार। अच्छा, एक चीज बताइए, कैमरा कॉल पुश करेंगे पीछे ले जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 24x7 जो है हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इमरजेंसी सुविधाएं हैं, तो वाकई में उसके लिए आपके हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है या नहीं? उसके लिए मैनेजमेंट है फुल 24 आवर्स, और कभी भी अगर पेशेंट जो है मेरे यहाँ आते हैं फुल तो पेशेंट आते हैं तो उसका इलाज जो भी होता है प्रॉपरली तरीका से फर्स्ट एड स्टार्टिंग करके उसके बाद डॉक्टर को अवेलेबल हम लोग करवा लेते हैं। और जैसे में किसी भी तरह का पेशेंट हो उसका जैसे लैप्रोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन हो या ये जनरल सर्जरी हो या ऑर्थोपेडिक हो, ये सब सारी सुविधाएं मेरे यहाँ अवेलेबल है। और बताया जाए कि हम लोग यहाँ जब से आए हैं उस समय से लमसम अच्छा खासा विकसित है। हम लोग जो पेशेंट आते हैं मतलब पूरा ये उसको फैसिलिटीज देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि आप 24x7 कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, आपने लिखा भी कि 24x7 जो है हमारे हॉस्पिटल में सुविधाएं, सुविधा जो है अलग चीज है, डॉक्टर जो है एक हॉस्पिटल में अवेलेबल ऑलवेज होना चाहिए नियम के अनुसार। तो आप जो है आमतौर पे तो ऊपरी एड्स में देख लेते हैं कि क्या कुछ जो है इमरजेंसी सुविधाएं में तत्कालिक आप उसको देखते हैं, क्योंकि आप भी जो है MBBA किए हुए हैं, उसके आफ्टर में जो है क्विकली आपके पास डॉक्टर आफ्टर कितने समटाइम्स जो है मौजूद हो जाते हैं। हम लोग के जैसे फर्स्ट एड में हम लोग पूरा जो भी हो ट्रॉमा वगैरह हो या एक्सीडेंटल वगैरह हो उसमें हम लोग ज्यादा मेजर, अगर मेजर ज्यादा रहा तो मतलब हम लोग जो फर्स्ट एड करके उसके बाद 10 से 15-20 मिनट या समझिए आधा घंटा के अंदर मेरा डॉक्टर जो है वहां से अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप 24 घंटा इमरजेंसी सुविधा की बात करते हैं, इमरजेंसी मीन्स हुआ कि किसी भी तरह का जो है अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की अगर जरूरी है, जैसे मान लीजिए किसी का ब्रेन फट गया, कोई एक्सीडेंट कर गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम आ गया सडनली, है ना, तो उसके लिए आपके यहाँ अवेलेबल व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, वो उसके लिए तो व्यवस्था अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है। हाँ। क्योंकि वो उसका अभी फिलहाल हम लोग जो काम करते हैं वो जनरल है, जनरल सर्जरी के लिए है। और जनरल सर्जरी में क्या हो जाता है? जनरल सर्जरी जैसे हो गया बजदानी हो गया, अपेंडिक्स हो गया, लाइजेशन हो गया जिसको नसबंदी बोला जाता है, नसबंदी हो गया मेल फीमेल दोनों, उसके बाद किडनी स्टोन हो गया, यूरेट्रिक स्टोन हो गया, और मतलब ट्यूमर वगैरह हुआ, ये सब का जो है बीच के थैली का ऑपरेशन हुआ, ये सब चीज कुछ काफी मतलब हम लोग इस पे फोकस ज्यादा रहता है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो आपके हॉस्पिटल में श्रेयन हॉस्पिटल में आमतौर पे किस टाइप के जो है मरीज आते हैं और उसका जो है सफल इलाज यहाँ से होके जाता है? मतलब जनरल में जैसे हो गया कि अगर मान के चलिए कि जो पैर टूटा हुआ हो, स्टील लगवाना हो, या पैर टूट गया किसी को तुरंत उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करके सफल इलाज करके भेज देना हो, या पीठ के थैली में स्टोन हुआ वो वोमिटिंग के करते करते मतलब बहुत पस्त हो जाता है, उसको लेके यहाँ पे रख के उसके बाद उसको कंजर्वेटिव करके
तीन दिन या पांच दिन करके उसके बाद डॉक्टर को प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेयस श्रेयान हॉस्पिटल के जो ओनर है साजन कुमार, एक्सक्लूसिव नेशनल बिहार पे जुड़ गए थे, जो कि आमतौर पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल में जो है जो मैनेजमेंट है उसके मुताबिक ज्यादातर जो है, हालांकि जो मरीज हैं उसके पेरेंट्स हैं वो लोग खुश नहीं होते हैं, लेकिन आमतौर पे इस हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि कई सुविधाएं, हालांकि बहुत कुछ सुविधाएं होना बाकी है।